गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। अयोध्या दीपोत्सव 2020 में राम के स्वागत में रोशनी से नहाई अयोध्या। 6,06,000 से अधिक दीप प्रज्वलन का बना नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अगले साल जलेंगे 7,51,000 दिए। गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की विशेष रिपोर्ट। 3 दिवसीय दौरे पर 14 नवंबर को अपने गृह जनपद गोरखपुर आएंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वनटांगिया ग्राम वासियों के साथ मनाएंगे दीपावली। विकास कार्यों का करेंगे निरीक्षण, तत्पश्चात गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। गगहा थाना क्षेत्र में किशोरी की हत्या कर नदी में फेंकने की सूचना पर मचा हड़कंप। गांव के ही एक युवक पर लगा हत्या का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम कर रही शव की तलाश। एसपी साउथ विपुल कुमार ने कहा शव बरामद होने के पश्चात की जाएगी विधिक कार्रवाई। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन के लिए विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा किए गए नामांकन पत्रों का शुक्रवार को जांच रिटर्निंग ऑफिसर व मंडलायुक्त की देखरेख में हुई स्क्रूटनी। सभी पर्चे पाए गए वैध। दीपावली पर्व के अवसर पर एडीजी जोन, मंडलायुक्त, डीआईजी रेंज, जिलाधिकारी, सीडीओ, एडीएम सिटी, एसपी क्राइम, सिटी मजिस्ट्रेट, एसआईसी ने सभी जनपद वासियों को दी शुभकामनाएं। कहा दीपावली का पर्व से ज्ञान के प्रकाश और अज्ञान के अंधकार को दूर करने के मिलती है प्रेरणा। मलिन बस्ती के बच्चों तथा मानसिक बंधित व कुष्ठ रोगियों के साथ जिलाधिकारी ने मनाया दीपावली, दी शुभकामनाएं। त्योहारों में लूट, छिनौती, महिलाओं, बालिकाओं के साथ छेड़खानी सहित अन्य घटनाओं के मद्देनजर शहर के भीड़भाड़ वाले जगहों पर भारी पुलिस बल मुस्तैद। सतर्कता ऐसी कि कहीं भी न होने पाए कोई अपराध। यातायात माह के तहत एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला के नेतृत्व में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। शहर के अंदर बेतरतीब खड़े वाहनों और बिना हेलमेट 3 सवारी दोपहिया चालकों के काटे गए चालान, दी गई चेतावनी। एसएसपी द्वारा गोरखनाथ थाना क्षेत्र के आदर्श पुलिस चौकी धर्मशाला बाजार का फीता काट कर किया गया उद्घाटन। कहा शहर में होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने में होगी आसानी। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 39 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 19,482। अब तक 315 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 395 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। दिवाली के मद्देनजर आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जिला अस्पताल में पूरी हुई तैयारियां। एसआईसी ने कहा डॉक्टरों को 24 घंटे अलर्ट रहने के लिए दिए गए हैं निर्देश। और सिसवां के पूर्व विधायक स्वर्गीय जगदीश लाल की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके लोगों ने दी श्रद्धांजलि। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला प्रकाश।